सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए x / dx - y = x + 1 इसको सॉल्व करना है ना। तो देखिए ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले चलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होता है ना, तो dy/dx का कोफिशिएंट 1 कर देते हैं। इसीलिए x dy/dx की कोफिशिएंट से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x x से डिवाइड कर दीजिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx -1/x / y = x + 1/x ना। तो dy/dx -1/x / y = 1/x / x और +1/x यहां से dy/dx -1/x / y = 1 + 1/x हो जाएगा ना। अब देखिए जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये आपका dy/dx फिर प्लस py = q है ना, जिसमें y का जो कोएफिशिएंट है क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और राइट साइड जो कुछ होगा वो q हो जाएगा। इस तरह से p = कितना हो गया, p = हो गया -1/x हो गया, और q = कितना हो गया, 1 + 1/x हो गया है ना। ठीक है, अब से फार्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बताओ, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल pdx होता है, एक्सपोनेंशियल pdx ना। ठीक है, तो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ, ठीक है सॉरी p की वैल्यू रख दीजिए, तो p की वैल्यू इसमें रख दीजिए कितना हो जाएगा, ये जगह इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो जाएगा, 1/x dx ना। ठीक है, क्योंकि p की वैल्यू 1/x है ना। इंटीग्रेशन p, p की वैल्यू क्या है, 1/x है dx है, तो e log x हो जाएगा बेसिक, तो ये हो जाएगा x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, x होगी। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या बताया था, y * इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y * इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q into integrating factor, integration plus constant of integration ना, तो y into integrating factor, ठीक है, तो pdx और equal to q into integrating factor, ठीक है, pdx, फिर dx plus c, तब इसे पहले कर दीजिए, तो y into integrating factor, तो integrating factor की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू पॉइंट कर सकते हैं x से ना, तो y into x हो जाएगा, ठीक है, y into x लिख दीजिए, और इंटीग्रेशन q, q की वैल्यू कितना है, q की वैल्यू आपका ये 1 + 1/x है into इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ये सामने निकाला ना, तो ये हो गया, ठीक है, और फिर dx फिर प्लस c, तो y into x हो जाएगा is equal to इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ, अब x से मल्टीप्लाई करके तो x + x/x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और dx + c, तो देखा y into x is equal to, ये हो गया आपका 1 + x dx + c ना, तो क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन x square by 2 हो गया, और + c हो गया, y x is equal to this ना। अब x से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने क्या मिलेगा, y इक्वल हो जाएगा 1 + 1/2x + c/x ये आपका, ठीक है, ठीक है, दिस इज योर, चलिए कॉपी करते हैं।